पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसावाला के हाई प्रोफाइल मर्डर केस के बाद अब बॉलीवुड के एक्टर सलमान खान पर भी धमकियां मिलना शुरू हो गई हैं। जी हां, देखिए फर्स्ट इंडिया न्यूज का ये ट्वीट जिसमें उन्होंने लिखा है, सलमान खान धमकी केस में 3 आरोपी गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने की कार्रवाई। मुंबई के वासी में रहते थे तीनों शूटर अमित छोटा राजन जाट गिरफ्तार भी हो चुके हैं। इसके बाद आज तक ने भी ये रिपोर्ट डाली कि सलमान खान और पिता सलीम खान को मिली धमकी के मामले में जांच तेज। एक्टर के घर पहुंची पुलिस। सलमान खान और उनके पिता सलीम खान के नाम किसी अनजान शख्स ने धमकी भरा लेटर भेजा है। इसके बाद देखिए india.com की ये रिपोर्ट जिसमें लिखा है, धमकी मिलने के बाद बढ़ाई गई सलमान खान की सुरक्षा। जाने क्यों खत देखकर हंस पड़े थे सलीम खान। आपको बता दें, बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान और उनके पिता सलीम खान को मिली धमकी के बाद मुंबई पुलिस ने इस बाबत मामला दर्ज कर लिया है। दरअसल रविवार को टहलने निकले सलीम खान को एक चिट्ठी मिली जिसमें धमकी दी गई थी। इसे लेकर सलीम खान ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत दर्ज करने के बाद मामले की गंभीरता को देखते हुए मुंबई पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और जांच में भी जुड़ चुकी है। इसके बाद india.com की ही ये ट्वीट देखिए जिसमें उन्होंने सलमान खान और सीबीआई ऑफिशियल्स की तस्वीरें साझा करते हुए लिखा कि सलमान खान गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर देखे गए और उसके बाद सलीम खान को भी डेथ थ्रेट का लेटर मिला और सीबीआई ऑफिशियल्स अब उनके घर पर पहुंच चुके हैं इस मामले की जाँच और भी ज्यादा तेज करने के लिए। तो इस खबर पर क्या है आपकी राय, नीचे कॉमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं।